देखिए हमारा असलम बटर चिकन बन के तैयार है। अब हम इस पे थोड़ा सा डाल देंगे बटर और इस पे डाल देंगे क्रीम। और ऊपर से छिड़क देंगे चाट मसाला। आप चाट मसाला जितना टेस्ट चाहिए हो आपको डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आबिदा इदरीसी। आज देखिए मैं बनाने जा रही हूँ पुरानी दिल्ली का सबसे फेमस असलम बटर चिकन, जिसके लिए मैंने चिकन लिया हुआ है 1/2 kg। ये मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया हुआ है 1 टीस्पून। ये मैंने प्याज का पेस्ट लिया हुआ है 2 टीस्पून। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टीस्पून। मैंने एक नींबू लिया हुआ है, 1 कप दही, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने गरम मसाला लिया हुआ है 1 टीस्पून। ये मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया हुआ है 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। मैंने ग्रेवी तैयार करने के लिए लिया है फ्रेश क्रीम, जो कि 200 ml है। बटर है 200 ग्राम। चाट मसाला है 1 टीस्पून। दही है 1 कप। कसूरी मेथी है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून और ये काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, ये अनियन पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, कर्ड, 1/2 lemon, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बटर। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। देखिए चिकन रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका। इसमें से जितने चिकन के पीस हैं हम सबको एक पैन में डाल देंगे। फ्लेम को हाई पे रखें। इसको 5 मिनट तक के लिए रख देते हैं। अब हम इसको 2 मिनट बाद इसको अच्छी तरह चला लेते। अब हम इसको वापस से ढक के रख देते हैं जब तक कि इसका पानी सूख नहीं जाता है, लेकिन बीच बीच में चलाते रहेंगे इसको। देखिए 10 मिनट हो चुका है और ग्रेवी भी अच्छी तरह सूख चुकी है, लेकिन अभी हम इसको और सुखाएंगे। देखिए मुझे पूरा इसको सुखाने में 12 मिनट लगा हुआ है। और अब हम इसको एक साइड करते हैं, इस पर ग्रिल रखते हैं। अब हम एक एक पीस इस पर रखेंगे। और इस पे से डालेंगे बटर। कि
इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। अब हम इसको एक एक करके पलट लेते हैं। इस साइड से भी हम लगा देंगे बटर। बटर को मैंने मेल्ट करके रख लिया था। आप इसकी साइड चेंज करते रहें। गैस की फ्लेम को मैंने लो पे किया हुआ है। इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह जो बचा हुआ पीस है उसको भी हम रख लेंगे। इस पे भी हम बटर लगा देंगे। दोनों साइड से बटर लगा लें। आप चाहे तो जिस तरह सीख बनाते हैं उस तरह किसी कांडी में इसको लगा के उससे भी आप सेक सकते हैं। नहीं तो ये ज़्यादातर कोयले पे बनता है। अगर आपके पास कोयला अवेलेबल हो उस पर सीख कबाब जैसे बनाते हैं आप उसी तरह इसको सेक लें। इस पर जितना ही बटर लगाएंगे उतना ही अच्छा आता है इसका फ्लेवर। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम उसी पैन में मैरिनेट चिकन किया हुआ जो ग्रेवी बचा था वो डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह भून लेते हैं जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए ये भी हो चुका अच्छी तरह। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसको एक मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम वापस से गैस की फ्लेम ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे दही। गैस की फ्लेम को स्लो पे रखें। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें। और अब हम इसी में ऐड करेंगे क्रीम। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और बटर।
इसको हम 1 मिनट तक किसी तरह स्लो फ्लेम पे पका लेते हैं। देखिए मैंने 1 मिनट तक इसको पका लिया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन के पीस। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ढककर इसको पकने के लिए रख देते हैं। मैंने इसे बीच बीच में चला लिया था 1 से 2 बार। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी नमक और गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब इसे डिस आउट करते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही मस्त बनता है ये। और अगर आप दिल्ली में नहीं जा पाएंगे तो आप दिल्ली का टेस्ट घर पे ही ले लें अपने हाथों से बना के। देखिए हमारा असलम बटर चिकन बन के तैयार है। अब हम इस पर थोड़ा सा डाल देंगे बटर और इस पर डाल देंगे क्रीम। और ऊपर से छिड़क देंगे चाट मसाला। आप चाट मसाला जितना टेस्ट चाहिए हो आपको डाल सकते हैं। अब चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।